एक कानून है जो हमारे नेताओं ने देश में लागू किया था, जो अनुसूचित जनजातियों एवं परंपरागत वन निवासियों की जिंदगी संवार सकता था, लेकिन प्रदेश में इस कानून का अमल सही इच्छा शक्ति से नहीं हुआ था। वन अधिकार के दावे को बड़े पैमाने पर खारिज किया गया था और उनके प्रावधानों को लागू नहीं किया गया था। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने सिर्फ 4 वर्षों में वन अधिकार पत्रों के तहत दी गई भूमि को 11 लाख से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दिया है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र तथा नगरी क्षेत्र में वन अधिकार पत्र देने की पहल प्रदेश एवं देश में पहली बार हमने किया। इस तरह अनेक प्रयासों से हमने 5 लाख से अधिक परिवारों को निश्चितता से उभारा, रोजगार और विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया। हमने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के लिए वन अधिकार पत्रधारियों को पात्रता दी है। वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 13,586 ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के साथ उपखंड एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया। इसी तरह विशेष रूप से कमजोर जनजातियों को पर्यावास का अधिकार देने की शुरुआत भी हमने धमतरी जिले से की है। हमें यह देखकर बहुत अफसोस होता था कि प्रकृति और वनोपज की रक्षा करने वाले लोग अपनी आमदनी के लिए अपने अधिकारों से वंचित थे। हमने आदिवासी भाई बहनों को न्याय दिलाने के लिए लघु वनोपज उपार्जन के सभी पहलुओं का पर काम किया। 7 से बढ़ाकर 65 वनोपजों के लिए समर्थन मूल्य देने तथा मूल्य वृद्धि के साथ उपार्जन केंद्र में समुचित व्यवस्था भी की, जिसके कारण अब हम देश के कुल वन उपज खरीदी का 75% खरीद रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 2,500 से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा किया है, जिसके कारण संग्राहकों को मिलने वाली राशि 1,500 करोड़ से बढ़कर 2,521 करोड़ हो गया है। इतना ही नहीं, हमने आदिवासी परिवारों को ऐसी फसलें लेने के लिए प्रेरित किया जो बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बिकती है, और इस तरह हमने आदिवासी समाज के लिए उन्नत खेती का रास्ता खोलकर उन्हें प्रगतिशील किसानों की नई पहचान भी दिलाई। लोहांडीगुड़ा में जमीन वापसी के साथ हमने पूरे प्रदेश में वनोपज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया था। अब प्रदेश में ऐसे 50 केंद्रों में 134 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी बिक्री ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ ही राज्य स्थापित संजीवनी केंद्र सी मार्ट आदि से हो रही है। मात्र 4 वर्षों में प्रदेश के 112 विकास खंडों में भूमि का चिन्हांकन और 52 विकास खंडों में भूमि हस्तांतरण हो चुका है। प्रदेश में 562 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जा चुकी है। लघु धान या मिलेट्स की ज़्यादातर खेती वनांचलों में की जाती है, लेकिन उचित दाम व विपणन सुविधाओं के अभाव में इसका लाभ आदिवासी तथा ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा था। हमने मिलेट्स के साथ इसकी खेती करने वाले किसानों को भी मान दिलाया है। कोदो, कुटकी, रागी खरीदी के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है। इसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना से भी जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ मिलेट विशेष मिशन का गठन किया गया। 14 जिले में मिलेट्स की उत्पादकता सहित आवश्यक शोध व अनुसंधान हेतु MOU किया गया। मुझे विश्वास है कि मिलेट्स को लेकर देश और दुनिया में जो सकारात्मक वातावरण बना है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासियों और किसानों को दिलाने के लिए हमने सही समय पर सही कदम उठा लिया है। हमने अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़े वर्ग के विकास के लिए नए नए उपाय किए हैं। आदर्श छात्रावास योजना, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना, शिष्यवृत्ति योजना, छात्र भोजन सहाय योजना, राजीव उत्थान योजना, राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा योजना,
जवाहर विद्यार्थी उत्कर्ष योजना जैसे अनेक प्रयासों से सहायता राशि, हितग्राहियों की संख्या और सुविधा में लगातार बढ़ोतरी किए जाने से विद्यार्थियों में नई आशा और विश्वास जागा है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश व शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय जैसे पहल से इन वर्गों का गौरव और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली है। हमने देवगुड़ी तथा गोटुल के महत्व को आत्मसात करते हुए इनके विकास हेतु आर्थिक सहायता में भी बढ़ोतरी की है। विभिन्न परंपरागत काम करने वाले समुदायों की आय वृद्धि हेतु समुचित पहल करने के लिए मंडलों का गठन किया गया है। वहीं चिराग परियोजना के माध्यम से 14 आदिवासी बहुल जिलों में कृषि और इससे जुड़े अवसरों का लाभ स्थानीय लोगों को दिलाने का कार्य भी शुरू किया गया है। देश के जिन कानूनों का लाभ प्रदेश के आदिवासी समाज को राहत देने के लिए पूर्व में नहीं किया गया था, हमने उस दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। पेशा कानून के लिए नियम बनाने के मामले में हम देश में 5वें राज्य बने हैं। जेल में बंद व अनावश्यक मुकदमेबाजी से टूट रहे आदिवासी परिवार को राहत व रिहाई दिलाने का वादा भी हमने निभाया है। आदिवासी बहुल अंचलों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन, पोषण, रोजगार, सड़क निर्माण, बस्तर फाइटर के बल में भर्ती जैसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने विशेष रणनीति अपनाई जिससे समस्याओं का समाधान तत्काल हो और लोगों को शासन प्रशासन की नज़दीक उपस्थिति महसूस भी हो। समन्वित प्रयासों एवं एकीकृत योजनाओं से स्थल पर हल मिलना शुरू हुआ। नक्सलवाद की जड़ें भी कमजोर होती चली गई, जनजीवन सामान्य हुआ। 13 वर्षों से बंद 300 स्कूलों का जीर्णोद्धार और पुनः संचालन संभव हुआ। यही वजह है कि बस्तर अब नक्सलगढ़ नहीं बल्कि विकासगढ़ के रूप में नई पहचान पा रहा है। बस्तर में अब नियमित हवाई यात्रा की तरह नियमित विकास की ऊंची उड़ान भी देखने को मिल रही है। बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ राज्य गठन से किसानों और ग्रामीणों के मन में यह उम्मीद जागी थी कि उनको आर्थिक स्वावलंबन के साथ सम्मान भी मिलेगा, लेकिन हकीकत में उन्हें धोखा ही मिला था। 4 साल पहले हमने यह बेड़ा उठाया कि धानी धरती के धानवान किसानों को धनवान बनाएंगे। 1.5 दशक तक उनके साथ हुए धोखों के दुखों को भुलाकर उन्हें खुशहाल जिंदगी का हकदार बनाएंगे। मुझे खुशी है हमने मात्र 4 वर्षों में धान खरीदी को 56,88,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक पहुंचा दिया और हर वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का हाथ रहा है। उदाहरण के लिए 4 साल पहले समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान हताश होने के कारण मात्र 15,77,000 किसानों ने पंजीयन कराया था, जो अब बढ़कर 25 लाख हो गया है। धान बेचने वाले पहले पंजीकृत रकबा मात्र 24,46,000 हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 32 लाख से अधिक हो गया है। खरीदी केंद्र की संख्या पहले मात्र 1,899 थी, जो अब बढ़कर 2,497 कर दी गई है। इसके अलावा बारदाने की कमी, टोकन, तौल भुगतान जैसी समस्याओं के कारण से किसानों को मंडी में बेहद अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता था। हमने ऑनलाइन टोकन शुरू किया और ऐसे अनेक इंतजाम किए जिससे धान खरीदी बहुत ही सम्मानजनक, शांति और व्यवस्थित तरीके से हो पाई। इस तरह सुविधा देने के कारण हम देश में सर्वाधिक किसानों का धान खरीदने वाले राज्य भी बने हैं। हमने संग्रहित धान को सीधे मिलिंग के लिए भेजने की नई व्यवस्था की जिससे धान के नुकसान पर अंकुश लगा। वहीं मिलिंग क्षमता बढ़ने से हम केंद्रीय पूल में सबसे ज़्यादा चावल देने वाले राज्य बन गए हैं। धरती को हम माता मानते हैं,
तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि माता की सेहत का पूरा ध्यान रखें, रासायनिक जहर से माटी की शुद्धता को बचाएं। हमने तो नरवा गरवा घुरवा बारी की पहचान छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी के रूप में की है और सुराजी गांव योजना के तहत इस चिन्हारी को बचाने, बढ़ाने, सजाने, संवारने और आने वाले पीढ़ी को अच्छी से अच्छी स्थिति में सौंपने के लिए बहुत बड़ा अभियान छेड़ा है। मुझे खुशी है कि हमारा यह काम सही दिशा में सही गति से साथ चल रहा है। जगह जगह से भूमि जल स्तर बढ़ने की खबरें आ रही है। जैविक खाद और जैविक खेती को लेकर छत्तीसगढ़ ऊंची उड़ान भर चुका है। लगभग 28 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन से हमारे गौठानों ने ऐसा बड़ा कीर्तिमान बनाया है कि जिसके सामने बड़ी बड़ी कंपनियां कहीं नहीं ठहरती। गौठान को हमने सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा था। 11,267 गौठान निर्माण की स्वीकृति, 9,716 गौठानों का निर्माण, 4,000 से अधिक गौठानों का स्वावलंबी होना और 300 से अधिक गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास हो जाना अपने आप में सफलता की पूरी कहानी है। मुझे कहते हुए खुशी है कि हम स्वावलंबी गांव तथा गांव को सक्षम गणराज्य बनाने का सपना देखने वाले अपने पुरखों महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। हजारों गौठान जब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में गांव में ही गोबर से बिजली बनाएंगे, पेंट सहित विभिन्न आवश्यक चीज़ों का उत्पादन करेंगे, तेल मिल, दाल मिल, आटा मिल, मिनी राइस मिल जैसे हजारों छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों को चलाएंगे, तो इससे हमारे गांव में जो ताकत पैदा होगी उसका अनुमान लगाकर मैं असीम आनंद की अनुभूति करता हूं। मैं इसे अपने सार्वजनिक जीवन और अपनी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में शामिल करता हूँ। इन्हीं प्रयासों के एक घटक हमारी गोधन न्याय योजना से न सिर्फ पशुधन विकास को नई ऊंचाई मिली बल्कि गोबर के सांस्कृतिक महत्व के साथ ही आर्थिक महत्व को भी रेखांकित करने में बड़ी सफलता मिली है। इस योजना से प्रदेश के 3 लाख से अधिक लोगों को आय का नया जरिया मिला और अब तक 362 करोड़ रुपये से अधिक की आय भी हुई है, जिससे हितग्राही परिवार अपने आवास, वाहन, स्वास्थ्य, जीवन स्तर उन्नयन, मांगलिक कार्य, स्थायी संपत्तियों का निर्माण, आजीविका के संसाधनों के विकास जैसे अनेक काम कर पा रहे हैं, जिससे हितग्राहियों के बड़े उत्साह और उद्यमता से भी विकास का नया वातावरण बना है। हमने किसानों तथा अन्य जनहितकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लगभग 1,50,000 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करते हुए न्याय योजना को सार्थक बनाया है। तो इस राशि को हितग्राहियों के बैंक खातों में डालने की व्यवस्था भी की है। किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या विगत 4 वर्षों में 50% से बढ़कर 81,22,000 हो गई है। साथ ही ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में बैंकिंग की सुविधाओं में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। मार्च 2021 तक बैंक मित्रों की संख्या मात्र 18,323 थी, जो अब बढ़कर 35,000 से अधिक हो गई है। बैंक शाखाओं की संख्या 22% बढ़कर 573 हो गई है। प्रदेशवासियों की गाढ़े पसीने की कमाई को उच्च स्तरीय संरक्षण से कोई लूट कर ले जाए, इस स्थिति को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने सरकार में आते ही चीट फंड कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला। छत्तीसगढ़ में विगत 4 वर्षों में 207 चीट फंड कंपनियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर 650 से अधिक संचालकों और उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 82 प्रकरणों में 43 कंपनियों के विरुद्ध 73,24,00,000 रुपये की संपत्ति कुर्की नीलामी वसूली का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। इस तरह 36,239 नियोजकों को 24,87,00,000 रुपये की राशि लौटाई गई। निकट भविष्य में और भी बड़ी राशि लौटाई जाएगी। ऑनलाइन जुआ की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022
पारित होना भी प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर धान के किसानों की खुशहाली से छत्तीसगढ़ महतारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, लेकिन हमने धान के साथ साथ हर तरीके के फसल लेने वाले किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की है। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 16,442 करोड़ रुपए की आदान सहायता दी गई। इस योजना से उद्यान की फसलों को जोड़ने से प्रदेश में साग सब्जी तथा फलों के उत्पादन में तेजी से बढ़ रहा है और इसी के साथ उनके संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, फल सब्जी मंडी तथा प्रसंस्करण इकाइयों में तेजी से वृद्धि हो रही है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में किसान कुटीर विकसित किया गया है। इस तमाम प्रयासों से अब छत्तीसगढ़ खुशहाल किसानों का प्रदेश बन रहा है। इस वर्ष से समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीदी का वादा भी हम निभा रहे हैं। भूमिहीन मजदूरों को न्याय कैसे दिलाया जाए, इस संबंध में प्रदेश तो क्या देश में कोई सोच नहीं थी। हमने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू कर 4,66,000 से अधिक लोगों को वर्ष में सुनिश्चित न्यूनतम आर्थिक मदद देने का सपना साकार किया है। हमने विगत 4 वर्षों में विभिन्न तरह के काम करने वाले श्रमिकों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली अनेक योजनाएं शुरू की और उसमें लाभ का दायरा भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना, मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केंद्र योजना, निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कापी योजना, खेल कूद प्रोत्साहन योजना, ई श्रम पोर्टल, कारखाना श्रमिक प्रशिक्षण योजना आदि से श्रमिक परिवारों को बहुत राहत दी गई। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को दोगुना करने, मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेघावी शिक्षा सहायता योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। धान की धरती में भूख और कुपोषण का तांडव कैसे चलता रहा, यह सोच कर देखिए। हमने इस कुचक्र को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया, जिसके कारण चिन्हांकित 4,34,000 बच्चों में से 2,65,000 बच्चों को कुपोषण से तथा 1,50,000 महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराया गया। इसके अलावा हमने गर्भस्थ शिशुओं से लेकर सुरक्षित प्रसव, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य विकास के विभिन्न पहलुओं पर समुचित ध्यान दिया है। हमारे विभिन्न प्रयासों से मातृत्व मृत्यु दर 159 से घटकर 137 हो गई है। दूसरी संतान भी बेटी होने की स्थिति में किसी भी तरह के मदद का प्रावधान पूर्व में नहीं था। इस अंतर को पाटने के लिए हमने कौशल्या मातृत्व सहायता योजना शुरू की। इसी तरह बाल कोष, बाल सक्षम नीति, मिशन वात्सल्य सहित छत्तीसगढ़ महिला कोष, नव अभियान सक्षम योजना, सखी वन स्टाफ सेंटर जैसी अनेक योजनाओं से नारी शक्ति को मजबूत किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए हमने स्थानीय खान पान की विशेषताओं को और रुचियों का विशेष ध्यान रखा है, जिसे सकारात्मक नतीजे प्राप्त हुए। पोषण सुरक्षा के लिए आयरन फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण अभी 12 जिलों मध्याह्न भोजन योजना तथा पूरक पोषण आहार योजना हेतु किया जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि अप्रैल 2023 से सभी जिलों में पीडीएस के राशन कार्डधारियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 64 लाख अंत्योदय प्राथमिकता एकल निराश्रित एवं निःशक्त जन राशन कार्डधारियों को अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक निर्धारित मासिक पात्रता एवं अतिरिक्त पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किया गया। मैं घोषणा करता हूं
इस वर्ष जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मासिक पात्रता का चावल